एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ ऐसे लुक शेयर करने वाली हूँ जिनको हम 2 से 3 मिनट में रेडी कर सकते हैं। मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लुक शेयर करने वाली हूँ जो हम सिर्फ एक ही ड्रेस से क्रिएट करेंगे। नॉर्मली हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग एक ड्रेस को कई बार पहनते हैं और उसको पहन पहन के बोर हो जाते हैं सेम स्टाइल सेम पैटर्न में। आज मैंने आपको वही दिखाया है कि हम एक ड्रेस को कई तरीके से कैसे स्टाइल कर सकते हैं। मेरा नॉर्मल एक ड्रेस है, उसको मैंने डिफरेंट तरीके से आपको स्टाइल करके दिखाया है। आप अपने ड्रेस को अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। जस्ट मैंने आइडिया के लिए आपको ये ड्रेस स्टाइल करके दिखाया है। तो चलिए, मैंने ये लुक्स कैसे क्रिएट किए हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। That the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. ये मेरे ड्रेस का ओरिजिनल लुक है। इस ड्रेस को मैं इस तरीके से कई बार स्टाइल कर चुकी थी, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया करते हैं। ये है मेरा फर्स्ट लुक। फर्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर के रेड टॉप को ब्लैक टॉप से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये ब्लैक टॉप पहना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लुक को कंप्लीट करने के लिए ब्लैक कलर के इयररिंग्स और नीचे ब्लैक कलर की वैली को पहना है। और मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ का यूज़ नहीं किया है, इस लुक को मैंने सिंपल ही रखा है। सेकंड लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक लॉन्ग टॉप का यूज़ किया है। तो देखिए ये सेकंड लुक, इसमें मैंने ये ब्लैक टॉप को टक इन नहीं किया है, इसको मैंने बाहर ही रखा है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो इस लुक को आप ना ही ट्राई करें, क्योंकि इसमें थोड़ा हाइट कम लगती है। इसको आप टक इन करके पहनेंगे, जैसा कि मैं आपको इस नेक्स्ट लुक में दिखा रही हूँ। देखिए हाइट एकदम इन्हेंस हो गई है क्योंकि इसको मैंने अंदर टक इन करके पहना है। अगर स्कर्ट को आप हाई वेस्ट पर पहनते हैं तो थोड़ा बहुत अगर आपका बेली फैट है तो वो भी हाइड हो जाएगा, जैसे कि इस लुक में मैंने किया है। स्कर्ट को थोड़ा हाई वेस्ट में पहना है। नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाइट टॉप का यूज़ किया है। इसमें रेड कलर की लाइंस हैं, पर अगर आपके पास प्लेन वाइट टॉप है तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसमें ये लाइंस वाला टॉप उतना बेटर नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैंने आपको ट्राई करके दिखाया है ये लुक। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर के स्टड इयररिंग्स पहने हैं। इन इयररिंग्स को मैंने DIY करके बनाया है। इस इयररिंग्स को मैंने कैसे बनाया इसका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और लास्ट में मैंने ये वाइट रंग की वैली का यूज़ किया है। नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर के पैपलम टॉप का यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैंने एक्सेसरीज़ को ऐड किया है। ये मेरे पास एक नेक पीस था सिल्वर कलर का, वो यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं सिल्वर कलर के हुप इयररिंग्स और ये ब्लैक कलर का पर्स और ये ब्लैक कलर की वैली को मैंने इनसे लुक को कंप्लीट किया है। लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसी टॉप को टक इन करके यूज़ किया है। तो देखिए इसमें हाइट में कितना डिफरेंस लग रहा है। अगर आप कोई भी टॉप स्कर्ट के साथ या जीन्स के साथ टक इन करके पहनते हैं तो एकदम हाइट थोड़ी ज़्यादा लगती है देखने में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से आपको सबसे बेस्ट लुक कौन सा लगा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट टॉप का यूज़ किया है। इस टॉप में ये वाइट रंग के छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें कोई भी एक्सेसरीज़ को यूज़ नहीं किया है। बस नीचे मैंने इसमें वाइट रंग की वैली का यूज़ किया है और ये इस लुक को मैंने इसी तरीके से कम्प्लीट किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट लुक पर। नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्कर्ट को ऊपर की तरफ यूज़ किया है और मेरे पास ये यहाँ पर ब्लैक कलर का ग्लिटर वाला श्रग है, उसको मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बेल्ट को ऐड किया है। बेल्ट को ऐड करने के बाद इस ड्रेस को हमारा एक अच्छा सा शेप मिल जाता है। उसके बाद लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सिल्वर ऑक्सीडाइज नेक पीस का यूज़ किया है और ये हुप इयररिंग्स का यूज़ किया है और वही वाइट वैली का यूज़ किया है। नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर बाकी सारी एक्सेसरीज़ बेल्ट वैली सेम रखी हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये वाइट रंग के श्रग को ऐड किया है। ये वाइट रंग का श्रग है, इसमें ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई हैं। ये लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लू रंग की डेनिम जैकेट का यूज़ किया है। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर बेल्ट का ही यूज़ किया है। इस बेल्ट को मैंने अंदर से लगाया है और ये डेनिम जैकेट का यूज़ किया है। इस लुक को मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है और ये वैली को ऐड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे लुक्स आपको कैसे लगे हैं और कौन सा लुक आपको सबसे बेस्ट लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।